नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। दोहा में अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाले सम्मेलन में भारत शामिल हुआ। महाराष्ट्र विधानसभा में महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक 2024 पेश किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम VVP के कार्यान्वयन की समीक्षा की। सुप्रीम कोर्ट ने ग्राम न्यायालयों की स्थापना एवं कामकाज पर राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों और संबंधित हाई कोर्ट से रिपोर्ट मांगी है। साइट्स ने साइट्स रोजवुड्स द ग्लोबल पिक्चर रिपोर्ट जारी की। एक स्टडी में कहा गया है कि वायु प्रदूषण से परागण करने वाले कीटों यानी पॉलिनेटर्स को ज्यादा नुकसान पहुँचता है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। दोहा में अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाले सम्मेलन में भारत शामिल हुआ। ये अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में आयोजित तीसरा सम्मेलन था। इस सम्मेलन में भारत सहित 25 देशों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य तालिबान शासन के तहत अफगानिस्तान के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के तरीके ढूंढना है। ये अफगानिस्तान पर दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन जैसे पिछले प्रयासों को आगे बढ़ाएगा। इस सम्मेलन के चलते तालिबान को खुद को अफगानिस्तान का एकमात्र प्रतिनिधि बताने का अवसर मिला। 2001 से शासन कर रही अमेरिका द्वारा समर्थित अफगानिस्तान सरकार के खिलाफ विद्रोह के बाद तालिबान 2021 में सत्ता में लौट आया था। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर शांतिपूर्ण और स्थिर अफगानिस्तान भारत और एशियाई क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। इसका पहला कारण है रीजनल कनेक्टिविटी। अफगानिस्तान को मध्य एशियाई क्षेत्र का प्रवेश द्वार माना जाता है। इस तरह भारत अफगानिस्तान से होकर मध्य एशिया तक पहुंच सकता है। दूसरा कारण है सुरक्षा। उग्रवाद और सीमा पार आतंकवाद में कमी से भारत की उत्तरी एवं पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर अधिक सुरक्षित स्थिति सुनिश्चित हो सकती है, जबकि अस्थिर अफगानिस्तान आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन सकता है। तीसरा कारण है ऊर्जा और अन्य संसाधन। अफगानिस्तान में स्थिरता तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान भारत यानी TAPI तापी पाइपलाइन का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। और चौथा कारण है मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक। अफगानिस्तान में स्थिर सरकार मादक पदार्थों की तस्करी से बेहतर तरीके से निपट सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अफगानिस्तान पाकिस्तान और ईरान के साथ डेथ क्रिसेंट का हिस्सा है। ये मादक पदार्थों की तस्करी के केंद्र है। वहीं भारत में पंजाब जैसे राज्य मादक पदार्थों की तस्करी से अत्यधिक प्रभावित है। चलिए अब एक नजर डालते हैं तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद भारत अफगान संबंधों पर। भारत ने तालिबान को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी है। हालांकि भारत विभिन्न माध्यमों से अफगानिस्तान की मदद कर रहा है, जैसे कि मानवीय सहायता, अफगानिस्तान में गेहूं भेजना, चिकित्सा सहायता और भूकंप के दौरान राहत सहायता सहित मानवीय सहायता पहुंचाई गई है। दूसरा है शिक्षा। अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR ने छात्रवृत्ति योजना को जारी रखा है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच व्यापार और वाणिज्य चाबहार बंदरगाह से भी जारी है। और भारत की तकनीकी टीम अफगानिस्तान में भारत द्वारा निर्मित परियोजनाओं की स्थिति और कार्यप्रणाली की निगरानी कर रही है। आइए अब रुक करते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। महाराष्ट्र विधानसभा में महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक 2024 पेश किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य अर्बन नक्सलवाद की गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। सबसे पहले विधेयक के मुख्य प्रावधानों पर एक नजर डालते हैं। इसमें संदिग्ध व्यक्तियों की कई तरह की गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई के प्रावधान हैं। इन गतिविधियों में कानून की अवज्ञा करने के लिए उकसाना या इसके लिए प्रचार करना आदि शामिल हैं। इसके अलावा संदिग्ध गतिविधियों में शामिल संगठन को गैर कानूनी घोषित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्तों को मुकदमा चलाने की अनुमति देने की शक्ति दी गई है। गौरतलब है कि किसी संगठन को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 यानी UAPA के तहत भी गैर कानूनी घोषित किया जा सकता है। हालांकि UAPA के तहत मुकदमा चलाने के लिए केंद्र या राज्य सरकार की मंजूरी आवश्यक है। चलिए अब विस्तार से जानते हैं कि आखिर अर्बन नक्सलवाद क्या है। नक्सलवाद से आशय वामपंथी उग्रवाद या माओवाद से है। ये हिंसक साधनों के जरिए राज्य की सत्ता को उखाड़ फेंकने में विश्वास रखते हैं।
गौरतलब है कि भारत में नक्सलवाद की उत्पत्ति 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव में हुए विद्रोह से मानी जाती है। अर्बन नक्सलवाद की कोई एक मानक परिभाषा नहीं है। यह टर्म आमतौर पर शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद की सक्रियता बढ़ाने के प्रयासों के लिए उपयोग की जाती है। आपको बता दें कि ग्रामीण नक्सलवादी राज्य के खिलाफ हिंसा के साधनों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि अर्बन नक्सली ऐसे हिंसक साधनों के प्रयोग से परहेज करते हैं। अर्बन नक्सली मुख्यतः भर्ती करने वाले एजेंट, प्रचारक, नक्सलियों के लिए धन के स्रोत आदि के रूप में कार्य करते हैं। साथ ही ये सशस्त्र नक्सली कैडरों को लॉजिस्टिक्स प्रदान करते हैं और सुरक्षित पनाह भी देते हैं। हालांकि ग्रामीण नक्सलवाद की तुलना में अर्बन नक्सलवाद को कम जन समर्थन प्राप्त है। इसका मुख्य कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में शिक्षा के बेहतर अवसर और अवसंरचना उपलब्ध है और सरकार या प्रशासन तक पहुंच भी आसान है। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम VVP के कार्यान्वयन की समीक्षा की। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को 2023 में मंजूरी प्रदान की गई थी। इसका उद्देश्य भारत के उत्तरी हिस्से में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में चयनित सीमावर्ती गांवों का व्यापक विकास करना है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से जुड़े कुछ मुख्य तथ्यों को थोड़ा गहराई से समझते हैं। ये केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका नोडल मंत्रालय केंद्रीय गृह मंत्रालय है। इस प्रोग्राम को सहयोग करने वाले क्षेत्रों की बात की जाए तो इसके तहत कौशल विकास, आजीविका सृजन, पर्यटन, सहकारी समितियों का विकास, वित्तीय समावेशन आदि पर बल दिया जा रहा है। और इसके संभावित लाभ ये होंगे कि इससे देश की सीमा सुरक्षा को बेहतर करने में मदद मिलेगी, क्योंकि इसके तहत सीमा प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा मिल रहा है। ऐसे में सीमा प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी के महत्व को भी समझते हैं। स्थानीय समुदाय अपने आसपास के स्थानीय भूभाग, क्रॉसिंग पॉइंट्स और आवागमन के नियमित पैटर्न से बखूबी परिचित होते हैं, इसलिए वे सुरक्षा बलों को बेहतर सीमा सुरक्षा सुनिश्चित करने में अतिरिक्त सहायता प्रदान कर सकते हैं। इससे सीमा पर परिस्थिति के अनुसार सैन्य जागरूकता और बेहतर होती है तथा खुफिया जानकारी जुटाने में भी सहायता मिलती है। सामुदायिक भागीदारी से संदिग्ध गतिविधियों, तस्करी के प्रयासों या सुरक्षा संबंधी संभावित खतरों के बारे में जानकारी मिल सकती है। स्थानीय लोगों की भागीदारी से दुर्गम और भौगोलिक रूप कठिन इलाकों में आवश्यक श्रमिकों की अनुपलब्धता के समय कार्यबल की कमी को पूरा करने में मदद मिल सकती है। हालांकि 2020 में लद्दाख के चुशुल गांव के निवासियों ने भीषण सर्दी के मौसम में भी आपूर्ति को बरकरार रखने में थल सेना की मदद की थी। सीमा प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के समक्ष कुछ चुनौतियां भी मौजूद हैं, जैसे कि सशस्त्र बलों और स्थानीय आबादी के बीच प्रायः अविश्वास और कई बार अलगाव की भावना के चलते आपसी सहयोग नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। सरकार कई बार विकास हेतु ऐसे क्षेत्रों की अनदेखी कर देती है। इसके कारण आर्थिक प्रगति का अभाव भी देखने को मिलता है। आखिर में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर रहने वाले लोगों के जीवन में सुधार हेतु उठाए गए मुख्य कदमों पर भी एक नजर डालते हैं। पहला है सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम यानी बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम BADP। इसे सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विकास संबंधी अलग अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसके अलावा सीमा सड़क संगठन BRO की परियोजनाओं के जरिए रोड कनेक्टिविटी में काफी सुधार हुआ है। आइए बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने ग्राम न्यायालयों की स्थापना एवं कामकाज पर राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों और संबंधित हाई कोर्ट से रिपोर्ट मांगी है। ग्राम न्यायालय का लक्ष्य नागरिकों को उनके घर के करीब सुलभ, किफायती और त्वरित न्याय प्रदान करते हुए स्थानीय अदालतों पर बोझ को कम करना है। खबर की शुरुआत में ग्राम न्यायालयों की प्रमुख विशेषताएं जान लेते हैं। इन्हें ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया है। यह अधिनियम नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और जनजातीय क्षेत्रों में लागू नहीं है। आमतौर पर ग्राम न्यायालय मध्यवर्ती पंचायत के मुख्यालय में स्थित होते हैं। इनके स्तर की बात करें तो ग्राम न्यायालय प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय होता है। गौरतलब है कि राज्य सरकार हाईकोर्ट के परामर्श से प्रत्येक ग्राम न्यायालय के लिए न्याय अधिकारी की नियुक्ति करती है। क्षेत्राधिकारों को देखें तो
तो ये ग्रामीण स्तर पर छोटे मोटे विवादों को निपटाने के लिए मोबाइल कोर्ट के जैसे होते हैं। ये सिविल और आपराधिक दोनों ही प्रकार के मामलों की सुनवाई कर सकते हैं। विवाद समाधान प्रक्रिया में विवाद को संबंधित पक्षों के बीच सुलह के जरिए निपटाया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्राम न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में साक्ष्य से जुड़े प्रावधानों से नहीं बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार काम करते हैं। हाल ही में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पारित किया गया है। आपराधिक मामलों में अपील सेशन कोर्ट में जबकि सिविल मामलों में अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में की जाती है। अपील का निपटारा अपील को दायर करने की तारीख से 6 माह के भीतर करना होता है। खबर के अंत में ग्राम न्यायालयों से जुड़ी प्रमुख समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इनमें पहली समस्या है खराब कार्यान्वयन। देश भर में लगभग 6000 ग्राम न्यायालय स्थापित करने की आवश्यकता है, परंतु अब तक केवल 481 स्थापित किए गए हैं। इनमें से भी केवल 309 ही कार्यशील है। अगली समस्या है अधिनियम के तहत ग्राम न्यायालय की स्थापना हेतु अनिवार्य प्रावधान न होना। इस कानून की धारा 3 के अनुसार ग्राम न्यायालय की स्थापना करना राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर करता है। इसके अलावा झारखंड और बिहार जैसे राज्यों ने जनजातीय या अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम न्यायालयों की स्थापना का विरोध किया है, क्योंकि वहां मुख्य रूप से स्थानीय या पारंपरिक कानूनों का पालन किया जाता है। और अंत में है ग्राम न्यायालयों को समर्थन देने की पहल। ग्राम न्यायालय योजना के तहत केंद्र सरकार राज्यों को ग्राम न्यायालय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। चलिए अब रुख करते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। साइट्स ने साइट्स रोजवुड्स द ग्लोबल पिक्चर रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्त प्रायः प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन यानी साइट्स में सूचीबद्ध शीशम यानी रोजवुड्स प्रजाति की विशेषताओं, पारिस्थितिकी तंत्र में इनकी भूमिका, पुनर्जनन दर और इनके समक्ष खतरों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इस तरह की सूचनाओं से साइट्स के पक्षकार देशों को उपलब्ध जानकारी के आधार पर गैर हानिकारक निष्कर्ष यानी नॉन डेट्रीमेंट फाइंडिंग्स NDFs निकालने में मदद मिलेगी। गैर हानिकारक निष्कर्ष साइट्स के तहत एक अनिवार्य वैज्ञानिक विश्लेषण है। इससे ये सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि साइट्स के परिशिष्ट 1 और 2 में सूचीबद्ध प्रजातियों के नमूनों की निर्धारित मात्रा के निर्यात से प्राकृतिक वनों में उनके दीर्घकालिक अस्तित्व को खतरा नहीं है। सबसे पहले रोजवुड यानी शीशम के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। इसे पैलिसेंडर भी कहा जाता है। इसमें फैबिसी यानी लैंगुमिनोस फैमिली की कई प्रकार की उष्णकटिबंधीय सख्त हार्डवुड्स शामिल है। शीशम साइट्स के परिशिष्ट 2 में शामिल है। डलबर्जिया लातिफोलिया यानी मलाबार शीशम और डलबर्जिया सिसु नामक रोजवुड प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। ये दोनों IUCN की लाल सूची में क्रमशः वल्नरेबल और लीस्ट कंसर्न के रूप में सूचीबद्ध है। अफ्रीकी रोजवुड IUCN की लाल सूची में एंडेंजर्ड श्रेणी में सूचीबद्ध है। अफ्रीकी रोजवुड पश्चिमी अफ्रीकी देशों की मूल यानी नेटिव प्रजाति है। इसके मुख्य उपयोग की बात करें तो रोजवुड का अधिकतर इस्तेमाल फर्नीचर और संगीत वाद्य यंत्र बनाने में किया जाता है। चलिए अब पारिस्थितिकी तंत्र में इनकी भूमिका को समझते हैं। पहला है मृदा की उर्वरता बढ़ाने में। डलबर्जिया प्रजाति की अपघटित हो रही पत्तियों में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कार्बन प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं। ये अपघटित पत्तियां निम्नीकृत यानी डिग्रेडेड मृदा की उर्वरता वापस लाने में मदद कर सकती हैं। दूसरा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। रोजवुड की कुछ प्रजातियों का मृदा के जीवाणुओं के साथ सहजीवी संबंध है। ये वायुमंडल से नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करती हैं। चलिए अब वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्त प्रायः प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन यानी साइट्स को विस्तार से समझते हैं। यह राष्ट्रीय सरकारों के बीच कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि वन्य जीवों और वनस्पतियों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके अस्तित्व को खतरा ना पहुंचे।
इसकी उत्पत्ति को देखें तो IUCN के एक संकल्प के द्वारा 1963 में इसका मसौदा तैयार किया गया। ये कन्वेंशन 1975 में लागू हुआ। भारत सहित 184 देश इसके पक्षकार हैं। इसमें प्रजातियों के उनके अधिक उपयोग की स्थिति को देखते हुए आवश्यक सुरक्षा के स्तर या प्रकारों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। आखिर में साइट्स परिशिष्ट के बारे में भी विस्तार से चर्चा करते हैं। परिशिष्ट एक में ऐसी प्रजातियां शामिल हैं जिन पर विलुप्ति का खतरा मंडरा रहा है। इन प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक व्यापार पर प्रतिबंध है। परिशिष्ट दो में शामिल प्रजातियां वर्तमान में खतरे में नहीं है, लेकिन नियंत्रित व्यापार नहीं होने पर इनका अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। इन प्रजातियों के व्यापार के लिए निर्यात परमिट या पुनः निर्यात प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। आमतौर पर इनके लिए आयात परमिट की आवश्यकता नहीं होती है। वहीं परिशिष्ट तीन में साइट्स के किसी पक्षकार देश के अनुरोध पर किसी प्रजाति को इस परिशिष्ट में शामिल किया जाता है, ताकि ऐसी प्रजातियों के असंधारणीय या गैर कानूनी उपयोग को रोका जा सके। इन प्रजातियों के व्यापार के लिए उचित परमिट या प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। इसी के साथ बात करते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर के बारे में। एक स्टडी में कहा गया है कि वायु प्रदूषण से परागण करने वाले कीटों यानी पॉलिनेटर्स को ज्यादा नुकसान पहुंचता है। हाल ही में यह स्टडी रिपोर्ट नेचर कम्युनिकेशंस जर्नल में प्रकाशित हुई है। इसमें कहा गया है कि वायु प्रदूषण से मधुमक्खियों और तितलियों जैसे परागणकों को अधिक नुकसान पहुंचता है। वहीं फसल को नष्ट करने वाले कीटों पर इनका नगण्य प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले स्टडी के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डालते हैं। गंध आधारित संचार में व्यवधान। कीटों के लिए गंध आधारित पथ वास्तव में वायुजनित रासायनिक संकेत होते हैं। कई जीव इन गंधों के आधार पर संचार करते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। वायु प्रदूषक गंध के इन निशानों को बदल देते हैं। इससे मधुमक्खियों और ततैयों की फूलों, साथियों या शिकार का पता लगाने की क्षमता बाधित हो जाती है। अगला है जैविक प्रभाव। वायु प्रदूषण की वजह से आहार, विकास, बचाव और प्रजनन जैसे जैविक व्यवहारों में परिवर्तन आता है। वायु प्रदूषण की वजह से इन जीवों में आहार ढूंढने की क्षमता सबसे अधिक प्रभावित हुई है। इसके अलावा ओजोन सबसे हानिकारक प्रदूषक है। ओजोन के चलते लाभकारी कीटों के जीवन जीने की क्षमता लगभग 34% तक कम हो गई है। नाइट्रोजन ऑक्साइड का भी इन जीवों पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। और अंत में है कम प्रदूषण के बावजूद नुकसान होना। इसमें वायु प्रदूषण के निम्न स्तर पर भी कीटों के व्यवहार या क्षमता में परिवर्तन देखा गया है। परागण और परागणकों यानी पॉलिनेशन और पॉलिनेटर्स के बारे में बात करें तो परागण पौधों के प्रजनन का अनिवार्य हिस्सा है। एक फूल के नर पराग कोष से मादा वर्तिकाग्र पर पराग कणों का स्थानांतरण परागण कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है। पहला है स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन। यदि परागण कण समान पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। और दूसरा है परपरागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन। जब पुष्प के परागण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे क्रॉस परागण कहते हैं। परागणक जैविक या अजैविक वास्तव में परागण के एजेंट या माध्यम होते हैं। परागण कई तरीकों से हो सकता है, जैसे अजैविक तरीके से हवा और पानी के द्वारा और जैविक तरीके से कीड़े, पक्षी और चमगादड़ आदि के द्वारा। चलिए अब बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। हमारा आज का स्थल है अर्जेंटीना। इस देश की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। आपको बता दें कि अर्जेंटीना ने इसराइल के प्रति समर्थन जताते हुए हमास को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। इस देश की भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो यह दक्षिण अमेरिका का एक देश है। इसके पड़ोसी देशों में इसके दक्षिण और पश्चिम में चिली, उत्तर में बोलीविया और पेराग्वे तथा पूर्व में ब्राजील और उरुग्वे अवस्थित हैं। इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर है। यहाँ की भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो यह भौगोलिक दृष्टि से चार प्रमुख क्षेत्रों इंडीज, उत्तरी पंपास और पेटागोनिया में विभाजित है। इसके अलावा पंपास घास का मैदान है और यह काफी उपजाऊ है। यहाँ की प्रमुख नदियां पराना, पराग्वे, उरुग्वे आदि है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी सेरो एकांकागुआ है। बुलेटिन के आखिर में अब बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ।
सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि केंद्रीय सूचना आयोग के पास बेंचों को गठित करने और नियम बनाने की शक्तियां हैं। केंद्रीय सूचना आयोग सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत गठित एक वैधानिक संस्था है। इसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों को सरकार के पास उपलब्ध साझा करने योग्य सूचना की प्राप्ति सुनिश्चित करना है। केंद्र सरकार ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड DFCCIL को 18% की GST से छूट दी है। DFCCIL भारतीय रेलवे का एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है। इसे 2006 में भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत किया गया था। पिछले कुछ वर्षों में कश्मीरी विलों की लकड़ी से बने क्रिकेट बैट्स ने विश्व का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। कश्मीरी विलों की बात करें तो ये एक पर्णपाती वृक्ष है। इसकी लंबाई 30 मीटर तक हो सकती है। ये मुख्यतः भारत के कश्मीर क्षेत्र में उगता है। इसमें सौर विकिरण को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की अधिक क्षमता होती है। यही कारण है कि इस वृक्ष की उत्पादकता अधिक है। हाल ही में बिहार सरकार ने मखाना के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग की है। उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलीय फसल, इसकी खेती तालाबों, पोखर, गोखुर, झीलों आदि जैसे स्थिर 12-मासी जलीय निकायों में की जाती है। इसके बीज को ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है। भारत दुनिया में इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बिहार है। केंद्रीय गृह मंत्री ने मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश इन महाविद्यालयों या कॉलेजों को NEP के अनुरूप तय मापदंडों के अनुसार अपग्रेड किया जाता है। एक नवीन अध्ययन के अनुसार वोल्बाचिया बैक्टीरिया ने इनकार्सिया फॉर्मोसा नामक ततैया में कुछ इस तरह परिवर्तन किया कि उसने नर को जन्म ही नहीं दिया। इससे नर की संख्या कम हो गई। ई फॉर्मोसा ततैया फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले व्हाइट फ्लाइज कीट की संख्या को नियंत्रित करने में मदद करता है। भारत में निपाह मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का परीक्षण 2025 में शुरू होने की संभावना है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्राकृतिक एंटीबॉडी की तरह कार्य करने वाले प्रयोगशाला में बनाए गए प्रोटीन होते हैं। एंटीबॉडी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के भाग होते हैं जो एंटीजन को ढूंढकर उन्हें नष्ट कर देते हैं। प्रधानमंत्री ने मुंबई में INS टावर्स का उद्घाटन किया। इसकी शुरुआती स्थापना 1927 में मानी जा सकती है। INS की स्थापना 1939 में इंडियन एंड ईस्टर्न न्यूज़पेपर सोसाइटी IENS के रूप में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य इस सोसाइटी के साथ जुड़ने के इच्छुक भारत तथा एशिया के किसी भी अन्य देश के प्रेस के लिए एक केंद्रीय संगठन के रूप में कार्य करना है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।